हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। नए ब्लॉग में आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। और आज की जो जर्नी है नासिक टू मैहर, ऐसे जाना तो इलाहाबाद है। और भाई कल हम दोनों जन डब्लू भाई हैं जो कि साथ में आए हुए हैं, गाइस कर रहे हैं। और आज की जो जर्नी है 15 घंटे की है, तकरीबन 1000 किलोमीटर, क्योंकि घड़ी में देखो अभी बज चुका है 9:30 और हम यहाँ से निकल रहे हैं 10 बजे के तकरीबन। और रात और यहाँ से तकरीबन मैहर का जो डेस्टिनेशन 1066 किलोमीटर का है। और कुछ इस तरह है यहाँ का, भाई ये इंडियन एयरफोर्स बेस है, तो यहाँ पे वीडियो अलाउड नहीं है, बट हमने देखो पीछे करके आके ले रहा हूँ। और यहाँ से इनका अंकल का ट्रांसफ़र हो गया तो उनको छोड़ने जाना है। तो बने रहिएगा इस ब्लॉग में, और इस ब्लॉग में हम आपको दिखाएंगे मैहर मंदिर का दर्शन कैसे करते हैं, कितना करेंगे। सो गाइस, तो ये हो गई है रेडी, जो कि हम लोग गाड़ी लेके निकलेंगे। और धो धा के सुबह ही रेडी कर दिए थे, आप देख सकते हो चारों तरफ से, और सामान वामान रख दिए हैं डब्लू भाई भी, और पूरा सामान एक जगह का, एक जन का सीट बचा हुआ है पीछे, और आप देख सकते हो मस्त। और ये रहा मैं भाई, ना दो कि मैं भी रेडी था, और अब अंकल आएंगे और लेके चलेंगे, वही गाड़ी चलाएंगे। तो चलिए लेट्स गो। ये गाइस, तो अभी हम लोग निकल चुके हैं और चाचा जी चला रहे हैं। चाचा हाय कर लो। डब्लू भाई, डब्लू का नाम डब्लू ही है। और ये रहा रोड, कुछ इस तरह व्यूज है यहाँ के, आपको दिखा रहे हैं। अभी ड्राइविंग कर रहे हैं चाचा, क्योंकि मैं करूँगा नाइट में ड्राइविंग। और टोटल 15 घंटे का रास्ता है यहाँ से मैहर का। और आप लोगों को बता दूँ कि ये है नासिक देवलाली कैंप, तो यहाँ से डायरेक्ट हम लोग जाएंगे मैहर। और चलिए रास्ते का व्यूज़ दिखाएंगे। वैसे भी आप लोगों ने यूपी और ये मुंबई के ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा, तो चलिए बने रहिएगा, मिलते हैं आपसे, लेट्स गो। तो आप देख सकते हो हम लोगों ने कहीं स्टॉप लिया नहीं, और एमपी बॉर्डर में इंटर कर चुके हैं। ये एमपी है, जो कि ये एरिया आता है सिंधवा में, जो कि मैंने यहाँ पे फंसा हुआ था एक बार, जो कि ये मुंबई टू यूपी वाले ब्लॉग में जाके देख सकते हो आप। और यहाँ से रह गया एमपी इंदौर, जो कि 155 किलोमीटर, मतलब 155 किलोमीटर। और आप देख सकते हो यहाँ पर ये बोर्ड लगाया हुआ है एमपी बॉर्डर, देख सकते हो यहीं पे होता है जांच पूरे ट्रक कार जो भी है, येलो प्लेट वाले। अभी आज तो हालांकि मैं प्राइवेट नंबर से हूँ, तो मुझे कहीं नहीं रोकेंगे, तो सीधे सीधे निकल जाएंगे अपन। तो बने रहिएगा इस ब्लॉग में, जाइएगा कहीं मत। ठीक है गाइस, तो अभी हम आ चुके हैं इंदौर सिटी में, इंटर कर चुके हैं, तकरीबन 450 किलोमीटर आए हैं, और पेट्रोल हो गई ख़त्म एक पॉइंट, और पिंक पे आ चुका है। और चलते हैं हम आगे भराते हैं कहीं इंडियन ऑयल पम्प पे, और मिलते हैं आपसे पेट्रोल भरा के। ठीक गाइस, तो ये बजरंगबली हैं हमारे इंदौर में, और अगर आप विज़िट करते हो ना, ये हाईवे पे ही हैं पूरा, ये मेन रोड है, और वहीं से ये मंदिर है, आप ज़रूर आना अगर इधर तो। और ये माँ वैष्णो धाम है, देखो अंदर हम जा रहे हैं भाई, यहाँ भी मंदिर है, बोला उन्होंने, ये है वैष्णो धाम मंदिर, कितना अच्छा बनाया है, मस्त। ये माता जी का बनाया है उन लोगों ने, इसके नीचे है हनुमान जी की मूर्ति, और ये रहा एक बाबा भैरवनाथ की मूर्ति, और ये है, और ये चाचा, और ये डब्लू। अब हम लोग यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं और यहाँ से निकलेंगे भाई, ठीक है। तो गाइस, तो अभी हम पेट्रोल भरा रहे हैं एमपी में, और एमपी में जो कि इंदौर सिटी में पहुंच गए हैं, और ये इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप है, और ये डब्लू भाई हैं, और ये हाय कर रहे हैं, हाय के अलावा इनको कुछ नहीं आ रहा अभी, अभी बाबा बोलेंगे। और ये देखो पेट्रोल यहाँ पे फुल होगा, जैसे वैसे बढ़ते जाएगा, और ये जो पिंक दिखा रहा है ना अभी हट जाएगा वो, जैसे पेट्रोल भरेंगे। तो अभी हमारी देखो भाई पेट्रोल पी पे हट गया, मतलब
भाई टैंक खाली हो गया था पूरा, समझो 1 पॉइंट हट गया था, अभी देखो बढ़ते जा रहा है, 3 पॉइंट हो जाएगा, पूरा फुल करवाना है मुझे। तो यहाँ पेट्रोल का रेट जो है ना 108 रुपये चल रहा है, वो सामने दिख रहा है एमपी में, और महाराष्ट्र से एमपी में पेट्रोल 10 रुपये रेट ज़्यादा है, 11 रुपये, क्योंकि भाई ये महाराष्ट्र में अपने 107 है और यहाँ पे 108 है, तो समझ सकते हो आप लोग भी 10-8 रुपये, मतलब 11 रुपये ज़्यादा है। तो चलिए बने रहिए और इस ब्लॉग में पहुँचेंगे मैहर, और मैहर का दर्शन होगा, ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम डायरेक्टली पहुँचेंगे मैहर, तो वहीं से स्टार्ट करेंगे मंदिर के पास से, ठीक है? तो बने रहिएगा, कहीं जाइएगा मत, लेट्स गो। गाइस तो हम पहुंच चुके हैं इस समय सलामतपुर, जो कि महुआ में है, ये पड़ रहा है एमपी में, और घड़ी में आप देख सकते हो 8:29, जो कि 9:30 बजे हम निकले थे, लगातार गाड़ी चल रही है, और हम 700 किलोमीटर कितने घंटे में आए, 11 घंटे में 700 किलोमीटर, अभी हमारा 600 किलोमीटर रह गया है और हमें जाना है प्रयागराज। बट पहले इस ब्लॉग में हम आपको बोले हैं कि हम जा रहे हैं कहाँ, मैहर देवी माँ, जो कि जय माता दी के नाम से हैं, और यहाँ रुके थे सौंफ लेने के लिए। तो चलिए बने रहिएगा, मिलते हैं आपसे, लेट्स गो। ये गाइस तो अभी यार आज हमें लेट हो गया, क्योंकि हम 1 बजे पहुँचने वाले थे और हम पहुँच रहे हैं तकरीबन, अभी देखो घड़ी में कितना बज रहा है, मैं आपको बता देता हूँ, घड़ी में बज रहा है 12:30 होने वाला है, और 1 बजे का टाइमिंग था, और ये कोहरे के वजह से ना, ये जो कोहरा दिख रहे हो सामने ही नहीं दिख रहा है, इसके वजह से मैं लेट हो गया, बट माता रानी की कृपा रहेगी तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे सुबह के टाइम में। और अभी टाइमिंग मुझे दिखा रहा दमोह से 5 घंटे टोटल, 200 किलोमीटर बचा हुआ है, तो हम 5 बजे पहुँचेंगे मैहर, और वहीं पे गाड़ी खड़ी करेंगे और वहीं थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, क्योंकि सुबह 10 बजे से जो गाड़ी चल रही है 9:30 बजे से लगातार ही चल रही है, तो बने रहिएगा, कहीं जाइएगा मत, और माता रानी की कृपा बनी रहेगी। और कुछ ये देखो गाड़ी, फॉग लाइट और इंडिकेटर दोनों जला के चल रहा हूँ इतनी फॉग में, और आप लोग कमेंट में ज़रूर जय माता दी लिखिएगा, इतना फॉग। और एक होटल था यहाँ पर सामने, और यहाँ पर बाथरूम है, वहीं पर सब लोग थोड़ा फ्रेश हो रहे हैं, घड़ी में जो कि 12:30 बज चुका है, और ये देख रहे हो सामने, सामने ही नहीं दिखता यार गाड़ी किधर से आ रही, किधर समझ में नहीं आ रहा, फिर भी मैं चला रहा हूँ, माता रानी की कृपा बनी रहेगी वैसे भी, ठीक है? तो प्रेम से बोलो भैया जय माता दी। तो मिलते हैं आपसे मैहर पहुँच के, काफ़ी लेट हो चुका है कोहरे की वजह से, तो आपको भाई मैं सोचा था कि 1 बजे तक पहुंच जाऊंगा और आराम करूंगा होटल में, होटल वाले को भी बोल रखा था मस्त से कि 1-1.5 बजे पहुंचेंगे हम लोग, बट ठीक है, चलिए कोई नहीं, मिलते आपसे 5 बजे तक। और ये रहे भाई, और खूब ठंड लग रही है, देखो जैकेट वैकेट सब पहने हैं, और मेरी हालत देख रहे हो, मैं टी शर्ट पहन कर रहा हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ, और बाकी पीछे देखो बेड बना दिया पूरा, पीछे पूरा बेड बन गया, अंदर चाचा पीछे सोए हैं और हम डब्लू आगे बैठ के चला रहे हैं मस्त, ट्रक वालों को सलाम है हमारी तरफ से, ठीक है? बने रहिएगा, कहीं जाइएगा मत। हे गाइस तो गुड मॉर्निंग, और आज हम भैया पहुंच चुके हैं मैहर, और ये देख सकते हो होटल, जिस होटल में रुके थे, और ये डब्लू भाई, गुड मॉर्निंग बोलो भाई, सब लोग रेडी हो रहे हैं भैया मंदिर जाने के लिए, क्योंकि घड़ी में बज चुका है 8, और ये कुछ रूम दिया था इधर सोने के लिए, और चाचा जी गए हैं नहाने के लिए,
और मैं सोचा कि सब एक साथ में तो एक बाथरूम में होगा नहीं, तो पारी पारा जा रहे हैं आ रहे हैं और चलेंगे मंदिर के ऊपर। और रात को भाई जो फॉग हुआ था ना, गाड़ी कैसे कैसे चलाया मैंने, वो मुझे लगा कि 1 बजे तक मैं पहुंच जाऊंगा, लेकिन जैसे मैं सागर इंटर किया हूँ, सागर समझ रहे हो, सागर सिटी, वैसे इतना ही मतलब कोहरा का जो ओला बोलते हैं हम लोग, कोहरे में गाड़ी चली नहीं रहती, आगे दिख ही नहीं रहा था। कैसे कैसे मैंने गाड़ी चलाया रात को 2 बजे तक, फिर गाड़ी खड़ा करके मैं सो गया भाई। और फिर वहाँ से निकले हम सुबह के 5 बजे और यहाँ 8 बजे पहुँचे हैं। होटल का भी जो बुकिंग था, बट होटल वालों ने हमें उसी पैसे में दे दिया कि आप नहा धो लो, काम हो जाएगा। तो चलो अच्छी बात है कि थोड़ा व्यवहारिक निकल गए, कि होटल वाले ने बोला कि इतने में आप कर लो सर, कोई बात नहीं, आप लोग लेट आए कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी हमारा 12 बजे चेक इन है, तो चेकआउट है जो भी है। तो चलिए हम मिलते हैं मंदिर पहुंच के और आपको मंदिर माता का दर्शन दिखाएंगे, तब तक बोलो आप लोग जय माता दी। सो गाइस, तो हम लोग हो गए रेडी और ये रहा लुक और ये रहा चाचा का लुक। कहाँ गए डब्लू? डब्लू गए नीचे और हम लोग जा रहे हैं रेडी होके सीधे मंदिर पे। तो चलिए हम सीधे मंदिर पे मिलते हैं आपसे डायरेक्ट, ठीक है? और वहाँ पे रोपवे से जाने वाले हैं, तो कितना टिकट होगा वो भी प्राइस बताएंगे आपको, क्योंकि लेट हो जाएंगे ऑल ऑलरेडी अगर हम सीढ़ी से जाएंगे तो, 2200 सीढ़ी चढ़ना भारी हो जाएगा। तो चलिए लेट्स गो। सो गाइस, तो ये है माँ शारदा देवी धाम पर तीर्थयात्रियों का हार्दिक स्वागत और हम पहुँच चुके हैं अंदर। और ये हैं भैया जो कि प्रसाद दे रहे थे हमें, हम लोग 3 लोग थे तो कुछ डिस्काउंट तो चाहिए, जहाँ हम रहे वहाँ डिस्काउंट ना मिले तो भाई बात ही नहीं बनती है। सही। प्रसाद में भी डिस्काउंट कर रहा ली, देखो 3 चाहिए तो 3 मिल गया हम लोगों को 300। लेकिन आंख के ऊपर होगा सारा, माता जी को जो चढ़ता है वो सब देके, और एक एक पट्टी हम लोग ले लिए देख सकते हो सब लोग पहन रहे हैं। और हम लोग अब निकलेंगे लाइन के लिए, क्योंकि हम लोग का टिकट ऑनलाइन हो चुका था। और ये देखो हमारा लुक, और हम लोग निकल चुके हैं लिफ्ट के लिए। लिफ्ट क्या है उसको रोपवे बोलते हैं, ये है जो रोपवे है। यहाँ पे ऑनलाइन आप निकाल सकते हो, धोखाधड़ी वाला चार्ज नहीं हो, आप रोपवे से ऑनलाइन निकाल सकते हो, क्योंकि 150 रुपये में रोपवे है, आने जाने का दोनों टिकट है। तो ये देख सकते हैं रोपवे, नॉन एसी रोपवे है। और ये अंकल बता रहे हैं मंदिर के बारे में, जो कि ये मंदिर के बारे में, चलिए हम ऊपर बताएंगे आपको, पहले ऊपर पहुंच जाइए फिर उसके बाद व्यूज़ देखिए यहाँ का। भाई MP अगर आप लोग आते हैं ज़रूर भैया आइए दर्शन करिए, ये देख सकते हो व्यूज़ है कुछ। अंकल जी देख रहे हैं सब नज़ारे, हम लोग फर्स्ट टाइम विजिट किए थे और अब हम सीधे पहुंच गए। गाइस, तो हम पहुंच चुके माता जी के मंदिर में और डब्लू भाई पीछे हैं, चाचा आगे आगे चल रहे हैं और दर्शन मार्ग के लिए। मंदिर आज खाली है पूरा, और नीचे का व्यूज देखो भाई, यहाँ पे बांधे हुए हैं लोग, और प्रेम से बोलो जय माता दी, पहुंच गए हैं, ठीक है, जय माता दी। सो गाइस, तो ये है मंदिर जय माँ शारदा मैया माता की, हम लोग दर्शन करके निकल गए हैं बाहर। और ये मंदिर का खासियत ये है कि यहाँ पे रात को कोई नहीं रुकता, कोई पुजारी नहीं रुकता है। जब आला उदल के ज़माने में जब एक पुजारी ने यहाँ रुकने की कोशिश की थी रात को, तो उसकी जब यहाँ के लोकल लोग जब ऊपर आए सुबह के 5 बजे, तो वो मृत पाया गया था। यही मंदिर की खासियत है, तो यहाँ कोई रात को रुकता नहीं है। तो यही जो पता है मुझे बता दिया आप लोगों को। हे गाइस, तो दर्शन उर्शन हो गया मैहर देवी का और अब हम लोग निकल गए हैं प्रयागराज इलाहाबाद के लिए, और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे क्योंकि बहुत लंबा हो गया है। तो प्रेम से बोलेंगे जय माता दी, जय माता, तो जय माँ शारदा और जय माता दी बोल के नाम लेके हम निकल चुके हैं प्रयागराज के लिए, और ये इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे, बहुत बड़ा हो जाएगा। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, ताकि जो वीडियो डालूँ पहले आप लोगों को मिल सके। तो चलिए मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।